फ्रेंड्स, आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कुछ सेंटेंसेस देखने होंगे। कोरोना से बचने के लिए हमें मास्क पहनना पड़ेगा। उसे मुझसे बात करने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। वह नहीं मानेगा, मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी। खराब मौसम के कारण अंपायर को मैच बीच में ही रोकना पड़ा। तुमने वादा किया था, तुम्हें निभाना पड़ेगा। ट्रेन सुबह 8 बजे आती है, हमें समय पर स्टेशन जाना पड़ेगा। ये गाड़ी खरीदने के लिए उसे 10 लाख रुपए खर्च करने पड़े। मुझे देखना होगा उसने काम किया कि नहीं। आज मुझे उससे माफी मांगनी पड़ी क्योंकि मैं गलत था। अच्छे रिजल्ट के लिए तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे जाना नहीं पड़ा, वह घर पर ही आ गया था। तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करते हो? मुझे तुम्हें बार बार समझाना पड़ता है। अच्छे रिश्तों के लिए हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। मुझे कुछ कहना है, क्या तुम मुझे समय दोगे? वॉशरूम कहाँ है? मुझे वॉशरूम जाना है। आज बिजली बिल पे करने की आखिरी तारीख है, हमें आज ही बिल पे करना होगा। सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए हमें फॉर्म भरना पड़ता है। मैंने खा लिया जो मुझे खाना था। जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपना काम पूरा करना है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के हजारों सेंटेंसेस हम अपनी जिंदगी में बोलते हैं। अगर आपको इनका ट्रांसलेशन सीखना है और आप चाहते हैं कि आप किसी भी सेंटेंस को रटे नहीं, उसको सेल्फ बनाना सीखें, तो आपको हमारा ये वीडियो देखना होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनिंग फ्यूचर विद जीत। मैं जीत, आपके लिए, आपके इंग्लिश के लिए। फ्रेंड्स, हम 10 सेक्शन में हैं और उस 10 सेक्शन में हमें बहुत प्रकार के सेंटेंसेस देखना है। आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत प्रकार के सेंटेंसेस आप तैयार करने वाले हैं। दोस्तों, हमने बेसिक सेंटेंसेस देखा, ताहे तीहे तेहे। अगर मैं इस पर से एक सेंटेंस आपसे लेता हूं कि मैं आपका इंतजार करता हूं, इस सेंटेंस में आप इसको प्रैक्टिकली अगर सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई काम सिंपली होता है, या मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, इसमें किसी काम के जारी या कंटिन्यू होने का बोध होता है। मैंने आपका इंतजार किया, ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं जो बहुत साधारणतः किसी बात को बताते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे आपका इंतजार करना पड़ता है, तो मैं आपका इंतजार करता हूं और मुझे आपका इंतजार करना पड़ता है में क्या फर्क है? सोचें, बोल के देखें। मैं आपका इंतजार करता हूं, ये बताता है कि कोई काम अपनी इच्छा से होता है, लेकिन मुझे आपका इंतजार करना पड़ता है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये काम मजबूरी बस हो रहा है। वह वहां जाता है, इच्छा है या जो भी रीजन है, लेकिन उसे वहां जाना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। आज के इस वीडियो में मजबूरी के लिए बनने वाले सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। ये सेंटेंसेस पढ़ से शुरू होते हैं। आप पढ़ के बाद आप जितने भी सिंबल्स हमने पिछले वीडियो में बताए थे, उन सभी सिंबल्स को अगर रख देंगे, ताहती है ताथती थी, एगा एगी रहा रही रहा रहा होगा, ये सारे सिंबल्स को आप पढ़ के बाद रख के देखिए। अब आप अपनी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि मैं जाता हूं, एक इच्छा है, मुझे जाना पड़ता है, वह जाता है, उसे जाना पड़ता है, मैं इंतजार करता हूं, मुझे इंतजार करना पड़ता है, वह खेलता है, उसे खेलना पड़ता है, वह पढ़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है। पढ़ना और पढ़ना मजबूरी है, अलग है। मजबूरी में आप पढ़ना और पढ़ना, इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें हैज टू, हैव टू और पास्ट में हैड टू और विल हैव टू की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं, आई यू वी दे के साथ हैव टू और ही शी इट और किसी सिंगल नेम के साथ प्रेजेंट में हैज टू यूज किया जाता है, और पास्ट में सभी के साथ हैड और फ्यूचर में सभी के साथ विल हैव टू यूज किया जाएगा। आप हैज हैव और इसके प्रॉपर यूज के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। उसे खेलना पड़ता है, ही हैज टू प्ले। मुझे खेलना पड़ता था या मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। और फ्यूचर में मुझे खेलना पड़ेगा,
I will have to play. फ्यूचर में will have to plus v1, चूंकि to के बाद v1 नहीं रखा जाता है। इस तरीके से has to, have to, had to और will have to के माध्यम से हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम नेगेटिव्स की बात करते हैं। मजबूरी के परफॉर्म के नेगेटिव्स बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स, जो डू, डज, डिड और विल है, उन्हीं के माध्यम से बनाने का। दूसरा तरीका होता है जो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हैज, हैव, हैड और विल तो ऑब्वियसली मिल ही रहा है, इसके साथ ही नॉट लगाकर नेगेटिव बनाने का। तो पहला तरीका अगर हम देखना चाहते हैं तो उसमें याद रखें डू, डज, डिड के बाद शुद्ध v1 लगता है और शुद्ध v1 मात्र हैव है, हैज नहीं, हैड नहीं। मुझे नहीं खेलना पड़ता है, आई हैव नॉट टू प्ले। दूसरा तरीका आई डू नॉट हैव टू प्ले, उसे नहीं खेलना पड़ता है, ही हैज नॉट टू प्ले या ही डज नॉट हैव टू प्ले। हम हैव नॉट टू लगाकर बना सकते हैं, हैज नॉट टू लगाकर बना सकते हैं या डू नॉट हैव टू या डज नॉट हैव टू करके हम पढ़ते हैं कि नेगेटिव्स बना सकते हैं। पास्ट में हमारे पास हैड इसमें ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन इस हैड के साथ जैसा कि मैंने बताया कि सिंपल की जो परमानेंट नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब है डू, डज, डिड, पास्ट में डिड मिलता है सिंपल पास्ट में, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसे खेलना पड़ा या मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले, मुझे नहीं खेलना पड़ा, आई हैड नॉट टू प्ले। और दूसरे तरीके से डिड के साथ आई डिड नॉट हैव टू प्ले, डिड के बाद शुद्ध v1। फ्यूचर में हमारे पास विल है तो विल को ही हम नेगेटिव्स में लगाएंगे, उसे खेलना नहीं पड़ेगा या मुझे खेलना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू प्ले, ही विल नॉट हैव टू प्ले। इस तरीके से आप सिंपल के नेगेटिव्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर हम सिंपल की बात करते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता था, पढ़ती थे, पढ़ते थे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, तो इस स्थिति में जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो वही जैसे हमने नेगेटिव्स बनाए उसी प्रकार से हम इनके क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम डू, डज, डिड को पहले सब्जेक्ट के रख के क्वेश्चंस बना लें या फिर इसी हैव, हैज, हैड को सब्जेक्ट के पहले ला के हम क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या मुझे खेलना पड़ता है, हैव आई टू प्ले, पहला तरीका। दूसरा तरीका डू आई हैव टू प्ले, मुझे क्यों खेलना पड़ता है, Why have I to play? Why do I have to play? उसे क्यों खेलना पड़ता है, Why does he have to play? या Why has he to play? इसी प्रकार सिंपल पास्ट में क्या मुझे खेलना पड़ा, Had I to play? या Did I have to play? क्या उसे खेलना पड़ा, Had he to play? या Did he have to play? क्योंकि do, does, did के बाद शुद्ध v1 लगता है और have शुद्ध v1 है। फ्यूचर में क्या मुझे खेलना पड़ेगा, Will I have to play? क्या उसे खेलना पड़ेगा, Will he have to play? याद रखें will इसलिए आगे पीछे हो रहा है helping verb के रूप में क्योंकि will एक मॉडल है और मॉडल्स जहां होते हैं केवल मॉडल्स ही नेगेटिव्स और क्वेश्चंस बनाते हैं जो करने वाले के जस्ट बाद आते हैं। दोस्तों आपने अभी देखा कि किस तरीके से हम मजबूरी वाले सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये हमारा टेंस के सिक्वेंस को लेके आज आपका वीडियो है। इस तरीके से और भी बहुत प्रकार के सिंबल्स हम आपके बीच में लेकर आने वाले हैं। कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कीप शेयरिंग, प्लीज लाइक द वीडियोस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।